देखिए ये 1895 की दुकान है। हाँ जी भैया, तो स्वागत है एक बार फिर से मेरी YouTube चैनल में। और ये आज दिन की तीसरी वीडियो। खैर, तो जो इस वक्त मैं हूँ मेडिकल चौराहे के सामने, यहाँ पे बहुत सारे फूड स्ट्रीट एक्चुअली है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको टॉप 5 स्ट्रीट फूड बताऊँगा कि इलाहाबाद के टॉप 5 स्ट्रीट फूड क्या क्या है जो आपको खाना चाहिए। तो यहाँ की जो चाट है बहुत मशहूर है, क्योंकि इनके साथ ही मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। और चलिए सर, बहुत यूनिक जगह दिखा रहे हैं, ये इनकी क्वालिटी है। स्ट्रीट फूड नंबर 1 चाट, ये पैक ही करना है, एक्शन करवाइएगा। बहुत टेस्टी है वाकई, बहुत बढ़िया है, टेस्ट नेवर लाइक बिफोर। नंबर 2 जो दूसरा स्ट्रीट फूड है वो देहाती रसगुल्ला है, विच इज़ वेरी फेमस इन इलाहाबाद। तो आई विल शेयर, अभी मैं चल के देखता हूँ कि इसकी क्या चीज़ें हैं। और बेसिकली मैं फर्स्ट टाइम खाने जा रहा हूँ, तो अब देखते हैं आगे क्या है। जो देहाती रसगुल्ला का जो टेस्ट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज सर। ठीक है, खाने से पहले मैंने बता दिया बहुत टेस्टी है, बहुत जबरदस्त। ठीक है, इस रसगुल्ले को खाने के बाद दिल में रसगुल्ला हो गया, इट्स वेरी वेरी टेस्टी, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। हाँ जी भैया, तो तीसरी लोकेशन, तीसरा फूड, और ये बहुत ही फेमस लस्सी, राजा राम लस्सी वाले। यहाँ पे मेरे पिताजी 25 साल से पी रहे, 25-30 साल से आते हैं, जब भी इलाहाबाद वो आते हैं तो यहाँ ज़रूर आते हैं। तो मैंने सोचा मैं आया तो आपको भी ले आऊँ। तो ये जो तीसरा फूड रहेगा हमारा यही रहेगा। और सर यहाँ पे है, सर इस लस्सी के बारे में बताया, आपकी दुकान कितनी पुरानी है? ये भैया देखिए, ये 1895 की दुकान है जी। पहले दादाजी लोग बैठते थे, फादर लोग बैठते हैं, अब हम लोग बैठ रहे हैं, ये तीसरी पीढ़ी है। लेकिन लस्सी का टेस्ट वही है, लस्सी का टेस्ट आपको वही मिलेगा। तो इसी बात पे आप दो लस्सी पिला दीजिए सर हमको। वाकई टेस्ट भी वही है और बहुत प्यारी लस्सी। तो ठीक है, लस्सी पी लेते हैं, फिर आपसे सीधे चौथी लोकेशन में मिलते हैं। कैसी दुकान है सर आपकी? हमारी 20 साल से। हाँ, 20 साल से। 20 साल से, 20 साल से यही कबाब बन कबाब जी। ये बेस्ट है, सबसे बेस्ट यहीं पे, यही है वन नंबर वन पे, सबसे नंबर वन पे ना जी, इसीलिए यहीं पे आए थे जी। यहीं से स्टार्ट किया मैंने, 20 साल से बैठ रहा हूँ। यही दुकान अभी भी यही सही है? एकदम सेम ऐसे ही है, सेम ऐसे ही दुकान जी। हाँ जी भैया, तो आए थे अटाला, और अगर आप अटाला आए और कल्लू कबाब नहीं खाए तो अटाला आए क्यों, पहले ये बताओ। और ये चौथी लोकेशन है जो खाने की, जो हम लोग इलाहाबाद में जो शूटिंग कर रहे हैं उसकी ये चौथी लोकेशन है। चौथी लोकेशन पर हमने आपको यहाँ पे बता दीजिए, हमारे जो अभी आपसे बात की इन्होंने, इनका नाम है शरीफ, और यहाँ पे हम लोग ये इसका आनंद लेंगे और आपको भी टेस्ट का। इसका नाम बर्गर, इसका नाम बर्गर है कल, लेकिन हम लोग इसको बन कबाब बोलते हैं। ठीक है, जो इसका नाम है फैक्ट आप उस पर बताइए। इसी नाम से फेमस है ये, बर्गर नाम से जी, जी। अच्छा, हम बन कबाब बोलते थे लेकिन उन्होंने कहा कि ये बर्गर, बर्गर है जी। तो इंग्लिश का बर्गर हम आपको खिला के दिखाते हैं जी। शुक्रिया आपका। हाँ जी भैया, तो इंग्लिश का बर्गर नहीं, मस्त हो गया आनंद। अब पेट में जगह नहीं बची लेकिन खाना पड़ रहा है, लेकिन बहुत टेस्टी है, बहुत बढ़िया। अब हम आपको पांचवी लोकेशन लेकर जाएंगे इनको। पांचवी लोकेशन बहुत जबरदस्त है, बहुत जाना पड़ेगा। चलिए, हाँ जी,
लिया, तो पांचवी लोकेशन में पहुंच गए हैं। सर पांचवी लोकेशन के बारे में बताइए, चाय वाला कुछ बताइए। पांचवी लोकेशन ये रिद्धि सिद्धि हम लोग आ गए। यहाँ की चाय बहुत स्पेशल होती है, पीने के बाद थकान उकान अंदर की जो लबर होती है वो निकल जाती है। और हम लोग की शुरुआत पहली लोकेशन चाट हुई और अंजाम चाय पे। चाय बात अच्छी है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा, अंजाम भी अच्छा होगा क्योंकि हम लोग को बहुत थकान लगी हुई, तो हम लोगों ने सोचा चाय पियो। सबसे बेस्ट चाय वो इलाहाबाद में बताया थे वो है रिद्धि सिद्धि। चाय का आनंद लीजिए आप मेरे साथ। तो ये पांच प्लेसेस थे जहाँ पे आपको ज़रूर जाना चाहिए और ज़रूर खाना और पीना चाहिए। मैंने कोशिश की कि आपको ये पांचों चीज़ें, पांचों खाने पीने की चीज़ें आपको दिखा सकें, साथ में मेरे भाई थे। और उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मिलेंगे फिर अपने अगले ब्लॉग में आप लोगों के साथ, तो शुक्रिया आपका। तो देखिए हमारे साथ कौन मिला है, हमारे साथ मिले हैं सत्यम, हमारे स्कूल के बहुत ही अच्छे मित्र रहे हैं ये। एक्चुअली मैं बैठा था, मैं इनको पहचान नहीं पाया, बट इन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने मुझे पहचाना। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने मुझे पहचाना। सत्यम नाम है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे।